दोस्तों, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एजो कपलिंग रिएक्शंस की। अब तक हम लोगों ने डायएजोटाइजेशन रिएक्शन देखी है कि कैसे होती है, N2 प्लस Cl माइनस कैसे बनता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि आप एजो कपलिंग कैसे कराएं, मतलब N डबल बॉन्ड N की फॉर्मेशन कैसे कराएं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डायएजोटाइजेशन रिएक्शन करानी है। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर एनिलीन उठाएंगे, उसकी NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे एट 0 to 5 degree Celsius एंड इन वाटर मीडियम। तो जब हम लोग कराएंगे तो डायएजोटाइजेशन रिएक्शन होगा, आपके पास डाइजोनियम कंपाउंड बनेगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा जिसमें N2 प्लस Cl माइनस फॉर्म होगा। उसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस कंपाउंड का एजो कपलिंग रिएक्शन में यूज कैसे करें। एजो कपलिंग रिएक्शन वो होगी जहां पे N डबल बॉन्ड N फॉर्म होगा। यहां पर मैंने फिनोल उठाया, फिनोल के साथ हम लोगों ने जो डाइजोनियम सोल्ट प्रिपेयर किया था वो डाइजोनियम सोल्ट मैंने यूटिलाइज किया है। अब आप देखेंगे फिनोल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस पोजीशन कौन सी है, किस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन सबसे इजीली डोनेट हो सकते हैं, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। तो अगर आप ऑर्थो पोजीशन देखने जाओगे तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होंगे, जबकि रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट होंगे। तो रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा कम कर देगा। अगर आप पैरा पोजीशन देखने जाएं तो वहां पर सेम प्लस आर इफेक्ट है, लेकिन यहां पर माइनस आई नेग्लिजिबल लगेगा, क्योंकि आपको पता है 3 carbon के बाद यूजुअली इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग डेड प्रिज्यूम कर लेते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट 3 carbon के बाद यूजुअली हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट अगर नहीं है तो क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पे होगी, पैरा पोजीशन पे, क्योंकि पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ डोनेटिंग इफेक्ट है जो कि रेजोनेंस के थ्रू आ रहा है। सो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन जो है वो पैरा पोजीशन है। तो अटैक किस पोजीशन से होना चाहिए, यहां पर जो डाइजोनियम कंपाउंड है और जो N2 प्लस बॉन्ड है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक प्लस चार्ज है और साइड वाले नाइट्रोजन पे डेल्टा प्लस आएगा। और अगर मैं इस बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट करा दूं तो इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा, अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। जिस पोजीशन पे अपने पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उस पोजीशन से अटैक होगा, मतलब इस पोजीशन से अटैक होना चाहिए। तो देखिए कैसे होगा, ऑक्सीजन पहले इलेक्ट्रॉन्स नीचे देगा, देन रेजोनेंस के बाय बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे और लास्ट पैरा पोजीशन से अटैक होगा इस नाइट्रोजन पे। जब इस नाइट्रोजन पे अटैक होगा तो क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर जाएंगे। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर जाएंगे तो आपके पास जो कंपाउंड बनना चाहिए वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। देखिए आपके पास एग्जैक्टली वही कंपाउंड बना है, लेकिन जब ये कंपाउंड बनेगा तो एरोमेटिसिटी खत्म हो गई है। एरोमेटिसिटी पे एक रेस्ट्रिक्शन आ गया, वो क्या है कि बीच में एक sp3 हाइब्रिड कार्बन आ गया। जैसे ही sp3 हाइब्रिड कार्बन आएगा एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। तो एरोमेटिसिटी को वापस से रिटेन कराना जरूरी है, क्योंकि एरोमेटिसिटी बहुत अच्छी खासी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो उस स्टेबिलिटी को रीगेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को H प्लस की फॉर्म में बाहर निकाल देंगे। Cl माइनस आएगा क्योंकि आपके पास एक एनायन प्रेजेंट था इस डाइजोनियम सोल्ट के अंदर, वो यूजुअली एनायन Cl माइनस होता है, क्योंकि आपने NaNO2HCl यूज़ किया है तो Cl माइनस एनायन आपको मीडियम में प्रेजेंट होगा। डाइजोनियम सोल्ट के साथ भी वही सोल्ट एनायन का काम करेगा। तो यहाँ पर Cl माइनस आएगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नीचे बेंजीन रिंग में दे देगा। अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से बेंजीन का एरोमेटिसिटी इजीली रिटेन हो जाएगा। तो फाइनल कंपाउंड आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजो डाई। यहाँ पर जो N डबल बॉन्ड N है उसको एजो बॉन्ड बोला जाता है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का आता है। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक्सटेंडेड रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस बहुत लंबी है इस बेंजीन रिंग से इस डबल बॉन्ड के थ्रू होते हुए इस बेंजीन रिंग तक, तो ये रेजोनेंस होने की वजह से ये कंपाउंड विजिबल रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब करने लगेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। तो इस वजह से ये एक स्पेसिफिक कलर देगा और उस कलर देने की वजह से इस कंपाउंड को डाई की तरह यूटिलाइज किया जाता है। डाई वो कंपाउंड होते हैं जो यूजुअली कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। तो यहां पर एजो डाई वर्ड इस वजह से आया है क्योंकि ये कंपाउंड यूजुअली कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं।
और होता किस वजह से है, ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस होने की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन विजिबल रीजन में आने लगता है। नेक्स्ट हम लोग एक और कंपाउंड उठा रहे हैं, यहाँ पर मैंने अल्फा नेप्थोल उठाया है, उसका डाइजोनियम सोल्ट के साथ रिएक्शन कराया। देखिए क्या होता है इस केस में, तो यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच पोजिशन कौन सी होगी, बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा और साथ में OH तो इंक्रीज कर ही रहा है, तो सबसे इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन कौन सी होगी, जो बेंजीन के ऑर्थो पे हो और OH के पैरा पे हो, क्योंकि OH के पैरा वाला मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूजुअली फिनोल में भी देखा था कंटेन करता है रेजोनेंस की वजह से। यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पे नीचे आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे और यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा OH की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। इस वजह से पैरा पोजीशन पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस केस में, क्योंकि OH ग्रुप यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट नहीं लगा पाएगा। और दूसरे साइड जो दूसरी रिंग है वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ से भी बढ़ेगी, तो पैरा पोजीशन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। तो अब इस पैरा से अटैक होगा इस नाइट्रोजन के ऊपर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, और जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा, बड़ा सिंपल सा। इसमें भी वापस से बेंजीन का एरोमेटिसिटी रिटेन कराने के लिए H+ बाहर निकालते हैं, वो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि जस्ट हमने डिस्कस किया है, आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं बीटा नेप्थोल उठा लूं, अल्फा नेप्थोल तो मैंने देखा अभी अभी कैसे होता है, बीटा नेप्थोल अगर मैं उठा लेता हूं, अल्फा बीटा नाम कैसे दिया जाता है, इस रिंग के कोरस्पोंडिंग ये पोजीशन अल्फा पोजीशन है जबकि ये पोजीशन बीटा पोजीशन है। अल्फा पोजीशन पे अगर OH कनेक्टेड हो तो अल्फा नेप्थोल, बीटा पोजीशन पे OH कनेक्टेड हो तो बीटा नेप्थोल। तो यहां पर पहले केस में अल्फा नेप्थोल था, सेकंड केस में मैं बीटा नेप्थोल उठा रहा हूं। अगर मैं बीटा नेप्थोल उठाता हूं तो इसमें सबसे इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन ये ऑर्थो वाली पड़ जाएगी, क्योंकि पैरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। सो OH के कोरस्पॉन्डिंग पैरा पोजीशन अगर ब्लॉक्ड है तो बॉन्डिंग का चांस किस पोजीशन से होगा, ऑर्थो पोजीशन से, और ये जो अदर रिंग है उसके कोरस्पॉन्डिंग भी ऑर्थो है तो वो अदर रिंग भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रही होगी। तो इस बार अटैक किससे होगा, OH के ऑर्थो पोजीशन से, और जो अदर रिंग है उसके कोरस्पॉन्डिंग भी वो पोजीशन ऑर्थो पोजीशन होगी। ये आप इस केस में देख सकते हैं कि ये जो बीच वाला कार्बन है इससे अटैक होगा और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं। एजो कपलिंग रिएक्शन के अंदर सबसे जो ध्यान देने वाला पॉइंट है वो ये है कि डाइजोनियम सोल्ट का जो N2+ है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और जो अदर रिंग पे जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच पोजिशन हो वहाँ से अटैक इस N2 ग्रुप पर होगा। सो उसकी वजह से N डबल बॉन्ड N जनरेट होगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम लोग जैसे देखते थे उसी वे में देखना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन कौन सी होगी, तो वो देख के ही आप आंसर कर पाएंगे कि फाइनल प्रोडक्ट में आपके पास स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन अबाउट ऑल आवर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।